मंत्री ने स्वच्छता पुरस्कार 2020 का वितरण किया। राज्य, जिला, पंचायत स्तर के प्रतिभागियों को इस पुरस्कार में शामिल किया गया था। राज्यों की श्रेणी में गुजरात राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता। जिले का पुरस्कार तमिलनाडु के तिरुनेलवेली को और सबसे स्वच्छ ब्लॉक का पुरस्कार मध्य प्रदेश के ब्लॉक को। पंचायतों की श्रेणी में चिन्नौर ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय के लिए बाजी मारी। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के बाद एक सप्ताह तक गंदगी भारत छोड़ो अभियान को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए भी पुरस्कारों की घोषणा की। एक सप्ताह के इस कार्यक्रम में 10.50 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। हमने सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ी है, लेकिन इससे आगे बढ़कर हमको अपने गांव को अनावरण किया। पीएम ने कहा कि हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया है। हम नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े। हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रयागराज कुंभ में गंगा जी की निर्मलता को दुनिया भर के श्रद्धालुओं ने अनुभव किया था, अब हरिद्वार कुंभ के दौरान भी पूरी दुनिया को निर्मल गंगा स्नान का अनुभव होगा। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे को स्वच्छ गंगा के अलावा अब एक समग्र कार्यक्रम बनाया जा रहा है, जिसमें गंगा किनारे जैविक खेती और मेडिसिनल प्लांट लगाने के प्रयास हो रहे हैं। अब नमामि गंगे अभियान को एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। गंगा जी की स्वच्छता के अलावा अब गंगा से सटे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के विकास पर भी फोकस है। सरकार द्वारा उत्तराखंड सहित सभी राज्यों के किसानों को जैविक खेती, स्मार्ट रोबोटिक डिवाइसेस, रियल टाइम नेविगेशन, द वर्ल्ड इज रेडी टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ दिस सिंगल लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी डिस्रप्टर। From defense, healthcare, agriculture, education, transportation, space. The impact of AI has augmented human capabilities to a massive extent. Artificial intelligence for Atmanirbhar Bharat. Technology opens an entirely new sphere and sector for growth. It also opens an entirely new paradigm of opportunities. Artificial intelligence is all set to contribute and $967 billion to India's economy by 2035. India projects a tremendous potential to be the next big hub for the experimentation, testing and development of AI technology. Besides the abundance of talent and latest technologies, India has the rich reserve of public data, which together are the growth drivers in AI investments and innovations. For the economy's explosive growth and inclusive social empowerment through AI-assisted healthcare facilities, real-time advisory, smart education and infrastructure. Welcome to India, a garage for artificial intelligence-powered products and services. AI to unleash its true potential. Tune in to the